एक था मोहन। चैप्टर 4। एक मध्यम दर्जे का छात्र। गुजरात में एक स्कूल में सफाई हो रही थी। कागजों के एक पुराने पुलिंदे में कुछ पुराने परीक्षा फल मिले। इनमें महात्मा गांधी के बचपन का रिपोर्ट कार्ड भी निकल आया। बड़ी जिज्ञासा थी ये जानने के लिए कि मोहन कैसा छात्र था। रिपोर्ट कार्ड से कुछ बातें पता चलती हैं, कुछ नहीं भी समझ आती। सन 1881 में मोहन अंक गणित में और गुजराती में पास हो गया था। भूगोल में जिन 3 छात्रों को एक भी नंबर नहीं मिला था उनमें मोहन का नाम भी था। साल के आखिरी में 34 छात्रों की कक्षा में उनका स्थान 32वां था, यानी फिसड्डी। पिता करमचंद गांधी की बीमारी की वजह से अगले साल मोहन स्कूल बहुत कम गया, अंतिम परीक्षा में भी नहीं बैठा। इसी साल उसकी शादी भी हो गई, क्योंकि उस समय बचपन में ही ब्याह कर देने का रिवाज था। लेकिन 14 साल की उम्र में मोहन ने अपनी पढ़ाई को संभाला, नियमित स्कूल गया, मेहनत भी की। अंक गणित, गुजराती, इतिहास और भूगोल में कुल मिलाकर 68% के औसत अंक मिले। सन 1884 की अंतिम परीक्षा में उसे 58% नंबर मिले। मोहन साधारण सा छात्र था, ना तो बहुत बुद्धिमान और ना ही एकदम बुद्धू। शरीर से भी बहुत फुर्तीला नहीं था, खेलकूद में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन पैदल चलने का खूब अभ्यास था। फिर क्या मोहन में कोई भी खूबी नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, मोहन में भी थे। उसमें गजब की जिज्ञासा थी, जो भी उसके मन को लुभाता उसे समझने में जुट जाता, मेहनत से, खुले मन से। कोई उसकी पसंद की बात जानता हो उसे ध्यान से सुनता था, पढ़ता था। उसे यह आभास था कि वो सब कुछ नहीं जान सकता, इसलिए बड़ों की बात मान लेता था, इस विश्वास में कि वे उससे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा अनुभवी हैं। मोहन खुद अपने प्रयोग भी करता था, जो भा जाए उसे रखता था। श्रवण कुमार का नाटक देखा तो उसका असर पड़ा, बड़ों की सेवा करने का निर्णय लिया। बीमार पिता के दुखते पैर दबाता था, मां के भोजन और उपवास की चिंता करता था, लेकिन आंख बंद करके हर बात वो किसी की नहीं मानता था। एक बार स्कूल में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर आए स्कूल में पढ़ाई का हाल जांचने के लिए। जब अंग्रेजी की जांच चल रही थी तब मोहन को कैटल शब्द के हिज्जे करना नहीं आया। इंस्पेक्टर की डर की वजह से शिक्षक ने इशारे से कहा कि मोहन दूसरे छात्र की कॉपी से नकल कर ले। मोहन ने नकल नहीं की, वो अकेला लड़का था जिसने कैटल शब्द ठीक से नहीं लिखा। बाद में गुरुजी ने समझाया कि जब वे कहें तो नकल करना गलत नहीं है। मोहन ने उनकी बात काटी नहीं, उनका सम्मान रखा, पर नकल नहीं की। वो सच बोलने की कीमत चुकाने के लिए तैयार था।